नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एजुकेटर गौरव और स्वागत करता हूं आपका एक जनतक में। आज हम इस वीडियो में ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसमें से साल 2021 के फिट इंडिया क्विज कंपटीशन में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका नाम है हस्त मुद्रा या हैंड मुद्रा। हैंड मीन्स हाथ। हस्त मुद्रा के दैनिक जीवन में काफ़ी लाभ हैं, लेकिन हम इस वीडियो में उन लाभ को न डिस्कस करते हुए उतना ही डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। सो गाइज, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप करते हुए देखिएगा, और अगर आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। चलिए, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मुद्रा होती क्या है। तो योग के अनुसार आसन और प्राणायाम की स्थिति को मुद्रा कहा जाता है, और योग में मुद्राओं को आसन और प्राणायाम से भी बढ़कर माना जाता है। आसन से शरीर की हड्डियां लचीली और मजबूत होती हैं, जबकि मुद्राओं से शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास होता है। अब बात कर लेते हैं हस्त मुद्रा की, जो कि मुद्रा का ही एक उपभाग होता है। हाथों की 10 अंगुलियों से विशेष प्रकार की आकृतियाँ बनाना ही हस्त मुद्रा कही जाती है। हाथों की सारी अंगुलियों में 5 तत्व मौजूद होते हैं जिन्हें आप याद कर सकते हैं। जैसे अंगूठे में अग्नि तत्व होता है यानी फायर, तर्जनी अंगुली या इंडेक्स फिंगर में वायु तत्व होता है यानी एयर, मध्यमा अंगुली या मिडिल फिंगर में आकाश तत्व होता है यानी स्पेस, अनामिका अंगुली या रिंग फिंगर में पृथ्वी तत्व होता है यानी अर्थ, और कनिष्का अंगुली यानी लिटिल फिंगर में जल तत्व होता है यानी वाटर, जिन्हें आप पिक्चर की मदद से याद कर सकते हैं। अगर बात करें हस्त मुद्रा की तो इसके काफ़ी प्रकार होते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में उन्हीं पार्ट्स को डिस्कस करेंगे जो आपसे पूछे गए हैं या फिर इनके पूछे जाने की संभावना है। आगे बढ़ने से पहले गाइस, मैं आपको बता दूं, हस्त मुद्रा के पार्ट्स के बारे में आपको मेनली एक चीज़ याद रखनी है कि ये किस प्रकार से मुद्रा बन रही है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ज्ञान मुद्रा। संस्कृत में ज्ञान का मतलब होता है बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस। ज्ञान मुद्रा का नियमित अभ्यास करने से आपकी इंटेलिजेंसी में वृद्धि होती है, इसीलिए इस मुद्रा को मुद्रा ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। इस मुद्रा में तर्जनी उंगली या इंडेक्स फिंगर को गोलाकार मोड़ते हुए अंगूठे के अग्रभाग से स्पर्श किया जाता है, और अन्य तीनों उंगलियों को सीधा रखा जाता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। और आप साथ साथ इनकी पिक्चर्स को माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि ये मुद्राएँ बहुत ही कन्फ्यूजिंग हैं। दूसरी है पृथ्वी मुद्रा। इस मुद्रा में अनामिका उंगली या रिंग फिंगर को अंगूठे से स्पर्श किया जाता है, और बाकी बची हुई उंगलियों को सीधा रखा जाता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। तीसरी है वरुण मुद्रा। इस मुद्रा में कनिष्का उंगली या लिटिल फिंगर को अंगूठे से स्पर्श किया जाता है। फोर्थ है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा शरीर के अंदर वायु के सही प्रवाह को संचालित करती है। ये तो इसका लाभ है, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बात करें वायु मुद्रा कैसे लगाई जाती है, तो वायु मुद्रा में इंडेक्स फिंगर को मोड़ते हुए अंगूठे से दबाया जाता है। इससे पहले आपने देखा था कि ज्ञान मुद्रा में इंडेक्स फिंगर को अंगूठे से टच किया जाता है, लेकिन यहाँ पर इंडेक्स फिंगर को अंगूठे से दबाया जाता है। तो ये अपने आप में काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, इसलिए आप इनको अच्छे से याद करिएगा। पांचवी है शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा में मध्यमा अंगुली या मिडिल फिंगर को मोड़ते हुए अंगूठे से दबाया जाता है। छठवीं है सूर्य मुद्रा या अग्नि मुद्रा, और यही क्वेश्चन आपको 2021 के फिट इंडिया क्विज कॉम्पिटिशन में पूछा गया है। सूर्य मुद्रा को अग्नि मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। इस मुद्रा को करने से शरीर में अग्नि ऊर्जा सक्रिय होती है, और इस तरह की मुद्राओं में बैठने से हाथ की अंगुलियां संबंध बनाती हैं और शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को सुगम बनाती हैं, यानी हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अच्छा रहता है। तो इस मुद्रा को बनाने के लिए आपको अपने रिंग फिंगर को अंगूठे से दबाना होता है, बाकी तीनों अंगुलियों को सीधा रखा जाता है। सेवेंथ है प्राण मुद्रा। इस मुद्रा में लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर को अंगूठे के अग्रभाग से टच किया जाता है, और बाकी दो बची हुई उंगलियों को सीधा रखा जाता है। एट्थ है लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जिसमें दोनों हथेलियों को इंटरलॉक किया जाता है, और एक हाथ के अंगूठे को ऊपर उठा हुआ रखा जाता है, और यह मुद्रा करते समय हमें अंगूठे पर अपना ध्यान केंद्रित करना होता है, और आपको पता होना चाहिए कि अंगूठा अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। नाइन्थ है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा को पाचन शक्ति की मुद्रा या मुद्रा ऑफ डाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। इस मुद्रा में मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को अंगूठे से टच किया जाता है, बाकी दो बची हुई उंगलियों को सीधा रखा जाता है। टेंथ है अपान वायु मुद्रा या हृदय मुद्रा। ये मुद्रा भी अपान मुद्रा से मिलती जुलती है,
बस फर्क इतना सा है कि इस मुद्रा में इंडेक्स फिंगर को अंगूठे से दबाना होता है, क्योंकि आपको पता है कि इंडेक्स फिंगर वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए यहाँ पर वायु आ गया तो इंडेक्स फिंगर को ही हम अंगूठे से दबा लेते हैं और बची हुई लिटिल फिंगर को हम सीधे रखते हैं। 11th है अंजलि मुद्रा। अंजलि मुद्रा को प्रणामासन मुद्रा भी कहा जाता है और यह ऐसी मुद्रा है जो पूरे एशिया में अभिवादन करने के लिए प्रयुक्त होती है, यानी जब हम हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं तो वही मुद्रा होती है अंजलि मुद्रा, और कोरोना के दौर में इसका काफी इस्तेमाल किया गया है। लोगों ने हाथ मिलाना छोड़कर इस मुद्रा को अपनाया था, यानी वो नमस्ते करने पर आ गए थे। 12th है ध्यान मुद्रा। इस मुद्रा में राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के ऊपर रखते हैं और दोनों हाथों के अंगूठे एक दूसरे को टच करते हैं। इसे आप अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि इसी टाइप की एक मुद्रा आगे और आने वाली है, वहाँ पर अंगूठा को टच नहीं किया जाएगा। 13th है शक्ति मुद्रा। शक्ति मुद्रा में दोनों हाथों की इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर अंगूठों को दबाकर रखती हैं और बाकी बची हुई दो अंगुलियां एक दूसरे के अग्रभाग को छूती हैं। 14th है हाकिनी मुद्रा। हाकिनी मुद्रा में दोनों हाथों को खोलकर पांचों अंगुलियों के अग्रभाग को आपस में मिलाया जाता है, ये काफ़ी सिंपल होती है। 15th है पूर्ण मुद्रा या ब्रह्म मुद्रा। ब्रह्म मुद्रा में दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर एक दूसरे से टच करते हुए अपनी नाभि के पास रखते हैं। 16th है आदि मुद्रा। आदि मुद्रा में दोनों हाथों की मुट्ठी बनाते हैं, लेकिन इसमें अंगूठे को अपनी तर्जनी अंगुली से दबाया जाता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। 17th है चिन्मय मुद्रा। चिन्मय मुद्रा में अंगूठा और तर्जनी अंगुलियां ज्ञान मुद्रा की तरह एक दूसरे को स्पर्श करती हैं और बाकी बची हुई तीन अंगुलियों को मोड़कर हथेली से टच किया जाता है। तो ज्ञान मुद्रा और चिन्मय मुद्रा में अंतर क्या है कि जो हमारी बाकी तीन बची हुई अंगुलियां होती हैं वो ज्ञान मुद्रा में सीधी रखी जाती हैं, लेकिन चिन्मय मुद्रा में इनको मोड़कर हथेलियों से मिला दिया जाता है। 18th है योनि मुद्रा। ये मुद्रा गर्भाशय या यूटेरस जैसी दिखती है। इस मुद्रा में अंगूठों को और तर्जनी अंगुलियों को आपस में मिला दिया जाता है, बाकी बची हुई तीन अंगुलियों को मोड़कर बाहर की ओर से एक दूसरे से मिला दिया जाता है। 19th है भैरव मुद्रा। अब देख लीजिए, भैरव मुद्रा और ध्यान मुद्रा एक जैसी हैं, बस इतना सा अंतर है कि इसमें अंगूठों को नहीं मिलाया जाता है। 20 है विष्णु मुद्रा। विष्णु मुद्रा में इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को अंगूठे के निचले भाग से टच किया जाता है और बाकी दो बची हुई अंगुलियों को सीधा रखा जाता है। 21 है शंख मुद्रा, जिसे आप अच्छे से समझना। शंख मुद्रा में लेफ्ट हैंड की सभी अंगुलियों को मोड़ लिया जाता है और अंगूठे को ऊपर खड़ा कर लिया जाता है और राइट हैंड के अंगूठे को इन अंगुलियों के बीच दबा दिया जाता है और राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर को लेफ्ट हैंड के अंगूठे से टच किया जाता है। तो इस तरह से जो मुद्रा बनती है उसे हम शंख मुद्रा कहते हैं। तो गाइस, आपको मैं फिर से याद दिला दूं कि आपको यहाँ पर इन मुद्राओं को करने की विधि पता होनी चाहिए, जिन्हें आप पिक्चर में देखकर अपने माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में आपको पिक्चर के माध्यम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कौन सी मुद्रा है। सो गाइस, ये था फिट इंडिया क्विज सीरीज का पार्ट नंबर 30। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। Thanks for watching.